विंध्य के हनुमना से बीजेपी का चुनावी शंखनाद। सीएम शिवराज बोले, पिछली बार की तरह कांग्रेस आई तो लाडली बहना समेत अन्य योजनाएं बंद कर देगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विंध्य क्षेत्र के हनुमना से भाजपा ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। रविवार की दोपहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मऊगंज जिले में सभा आयोजित की। आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यदि प्रदेश में पिछली बार की तरह कांग्रेस सरकार आई तो कन्या विवाह, तीर्थ दर्शन, संबल योजनाएं बंद कर देंगी। उनके निशाने पर लाडली बहना योजना है, वे सबसे पहले लाडली योजना बंद करेंगे। ऐसे में माताएं व बहनें कांग्रेस के बहकावे में मत आएं। मुख्यमंत्री शिवराज ने कांग्रेस व डांडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। आगे कहा कि कमलनाथ परेशान है कि लाडली बहना योजना से कई घरों में खुशियां आई हैं, कई महिलाओं को पैसा मिलने से आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ा है। अभी हम 1000 से 1250 किए हैं, आने वाले दिनों में 3000 तक ले जाएंगे। हमारा संकल्प कांग्रेसी भी कान खोलकर सुन ले। 40 मिनट के भाषण में शिवराज ने अपनी योजनाओं का बखान किया। पाइप से खेतों तक पहुंचाएंगे पानी। शिवराज ने कहा कि मैं जो वादा करता हूं उसे जरूर निभाता हूं। पिछले चुनाव में मैंने मऊगंज को जिला बनाने का आश्वासन दिया था, आज जिला बनकर सबके सामने है। हम बाढ़ सागर का पानी मऊगंज लाएंगे, खेतों में पाइप से पानी पहुंचाएंगे। आने वाले दिनों में हर घर व हर खेत तक पानी पहुंचेगा। हम हनुमना में सिविल अस्पताल बनाएंगे, मऊगंज में रिंग रोड और हनुमना नगर के अंदर फोन लेन हाईवे होगा। मऊगंज में रिंग रोड और हनुमना नगर के अंदर 4 लेन हाईवे होगा। विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये नेता पहुंचे सीएम की सभा। मुख्यमंत्री की जनसभा में जनसंपर्क एवं पीएचई मंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, त्योथर से विधानसभाओं में द्वार सिद्धार्थ तिवारी, सीनियर नेता वीरेंद्र गुप्ता, राजेंद्र मिश्रा सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इधर चर्चा है कि भाजपा में टिकट वितरण को लेकर चल रहे चौतरफा विरोध को लेकर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम गुपचुप रखा गया था, ज्यादा शोर शराबा नहीं किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।